हम में एक गो शक्ति है। आपने देखा होगा जिला पंचायत हो, जनपद हो, पार्षद हो, नगर निगम हो, नगर पालिकाएं हो, हमको लोकसभा और विधानसभा छोड़ के 50% आरक्षण मिला है पुरुषों के साथ। लेकिन जब हम पुरुषों के साथ काम करेंगे तो 50% तो अपना पूरा लेंगे, लेकिन 2-4-10% हम पुरुषों में से भी ले लेंगे। पुरुषों की सीट पे हम चले जाते हैं तो पुरुषों से भी छीन लेते हैं। हम मैं आज विधायक हूँ तो पुरुषों की सीट पे हूँ। हम 2004 में जिला पंचायत सदस्य बन गए थे और 2008 से अभी तक विधायक रहे, अभी बीच में हार गए पार्टी बदल रही ना, इसलिए हमें कोई नहीं हराता। तो कई लोग कई बातें करते थे, जैसी जिसकी मन में आती थी वैसी बातें करते थे, कोई दिक्कत नहीं आई हमें। लेकिन आज जो वो बातें करते हैं वो इमरती देवी के पैर छूने के लाने लाल लगाते हैं। ये होना हमारा होना चाहिए कि कहने वाले कब हमारे आगे पैर छूने आएंगे, इस होना से अपन को काम करना चाहिए। अब हम रास्ता में आ रहे थे तो एक जने कह रहे थे बिटिया का ट्रांसफर कराना, हमने कहा कराना झांसी, हमने कहा करते हैं, बोले वो ट्रेन की पायलट है, ट्रेन चलाती है। तो हमें बड़ा अच्छा लगा, हमने कहा चलो तुम तो सवेरे आ जाओगे, तुम ग्वालियर जा रहे, हम जरूर ट्रांसफर करा देंगे सिंधिया जी से कह के। हम में एक गो शक्ति है। आपने देखा होगा जिला पंचायत हो, जनपद हो, पार्षद हो, नगर निगम हो, नगर पालिकाएं हो, हमको लोकसभा और विधानसभा छोड़ के 50% आरक्षण मिला है पुरुषों के साथ। लेकिन जब हम पुरुषों के साथ काम करेंगे तो 50% तो अपना पूरा लेंगे, लेकिन 2-4-10% हम पुरुषों में से भी ले लेंगे। पुरुषों की सीट पे हम चले जाते हैं तो पुरुषों से भी छीन लेते हैं। हम मैं आज विधायक हूँ तो पुरुषों की सीट पे हूँ। हम 2004 में जिला पंचायत सदस्य बन गए थे और 2008 से अभी तक विधायक रहे, अभी बीच में हार गए पार्टी बदल रही ना, इसलिए हमें कोई नहीं हराता। तो कई लोग कई बातें करते थे, जैसी जिसकी मन में आती थी वैसी बातें करते थे, कोई दिक्कत नहीं आई हमें। लेकिन आज जो वो बातें करते हैं वो इमरती देवी के पैर छूने के लाने लाल लगाते हैं। ये होना हमारा होना चाहिए कि कहने वाले कब हमारे आगे पैर छूने आएंगे, इस होना से अपन को काम करना चाहिए। अब हम रास्ता में आ रहे थे तो एक जने कह रहे थे बिटिया का ट्रांसफर कराना, हमने कहा कराना झांसी, हमने कहा करते हैं, बोले वो ट्रेन की पायलट है, ट्रेन चलाती है। तो हमें बड़ा अच्छा लगा, हमने कहा चलो तुम तो सवेरे आ जाओगे, तुम ग्वालियर जा रहे, हम जरूर ट्रांसफर करा देंगे सिंधिया जी से कह के। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।